भैया जयंत चौधरी जब कहाँ थे, जब जाटों के लड़के मरवा दिए थे इन्होंने, यहाँ ये सचिन और राहुल गौरव को मरवा दिया था, तब जयंत जाट इतनी मुसीबत, ये जौनी की नहर में लाशें पाट दी गई थी, जौनी की नहर को, जब कहाँ गए थे ये जयंत चौधरी, अजीत सिंह जिंदा थे जब, क्यों नहीं आए थे एक बार भी? अब जयंत चौधरी वोट मांगने आ रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं। बड़े दिनों के बाद केसरी भेष देश पर छाया है, ऋषियों की भूमि भारत में अब राजराम का आया है। सन 2014 में ठिकाने लगा दिए सब मोदी ने, जो बचे कुचे जुल्मी यूपी के भगा दिए योगी ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सपा ने और रालोद ने गठबंधन कर लिया, अब वो दो टीमें एक साथ हैं और ये भाजपा वाले एक साथ अकेले हैं, तो कैसे मुकाबला, किस तरीके से होगा मुकाबला? भाजपा का आगे ही रहेगा है, भाजपा कभी खत्म नहीं, जीत रही है उत्तर प्रदेश में भाजपा ही आ रही है, और योगी सरकार जी जो काम कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, एक नाम रोशन करा है उन्हें उत्तर प्रदेश का। आज हम बहू बेटियां इतनी सुरक्षित मानती है इस उत्तर प्रदेश में कि हम कहीं भी बिंदास निकल सकती है घर से बाहर, हमें अब डर नहीं रहा है किसी उसमें। पहले जो सरकारें थी जिन्होंने काम नहीं किया, जो जब हम घर से बाहर क्या निकल ही नहीं सकती थी, पल्ले में रहती थी महिलाएं, जो उनका विकास नहीं होता था, वो कुछ भी शब्द कह देते थे। भाजपा ने ऐसा क्या किया कि बाहर आने का आपको मौका मिला? भाजपा ने तो इतना महिला प्रशासन का, वही पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले जो अखिलेश के समय पे पुलिस वाले थे, देखिए वही थाना है आराज थाना, क्यों वही है जो हमारा सबका कहना मानता है, कहना नहीं अच्छा कार्य करता है, कोई रिश्वत नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, वरना एक कंप्लेंट भी लिखवाने जाओ तो पहले मुंशी को बोले थे इसे 500 का नोट पकड़ाओ, तो हाँ पहले ऐसा होता था। और रही गठबंधन की बात, तो भैया पहले भी गठबंधन हुआ था, इन्होंने 2014 में किया था, क्या कर लिया गठबंधन? कुछ नहीं होना, ये तो जयंत की भी लुटिया डुबो देगा अखिलेश, बिल्कुल पक्की बात है, कांग्रेस की डुबी थी और क्या। और देख रहे हो जितने भी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, यहाँ दंगे हुए, जिन्होंने बदतमीजियां की, झगड़े करवाए, हिंदू मुस्लिम करवाई है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, इन्होंने जिन हिंदू मुस्लिम करवाई उन्हें सबको टिकट दिया इसने, इसका कारण जानते हो क्या? कि फिर वही कटाई करवाएंगे और फिर झगड़ा कराएंगे, फिर सीट, फिर हम इनमें हिंदू मुस्लिम करा के और हम फिर वोट पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, अब हिंदू मुस्लिम सब जागरूक होगी और सब एक है, और मुसलमान भी भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो चौधरी एक फार्मर फैमिली से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और ये क्षेत्र भी सारा ये जो है किसान बाहुल्य क्षेत्र है, जाट समुदाय। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जयंत चौधरी के आने से कितना प्रभाव? कुछ फर्क नहीं है हमारे क्षेत्र में, कोई प्रभाव नहीं। हमारे क्षेत्र में खादर जो है, खादर में लोग डेरों पर रहते हैं, जाट भाई हमारे ये कहते हैं कि हमारा सामान सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं है। पहले गाँवों में से गाय भैंस चोरी हो जाती थी, वो चली जाती थी, दिन में बुग्गी लूट के ले जाते थे, गन्ना गेरने आते थे किसान, ट्रैक्टर छीन के ले जाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जाट समुदाय बहुत खुश है जो डेरों पर रह के, अपने फार्म पर रह के, वहाँ पर रह के काम करते हैं और बड़े खुश हैं। वो कहते हैं कि हमें बीजेपी सरकार चाहिए, हमें बीजेपी सरकार चाहिए, और हम कहते हैं कि हमारा दिनेश कटील जैसा विधायक हमें इसके अलावा कोई नहीं चाहिए, और पूरी जनता की ये आवाज़ है। बहुत ज़्यादा वोटों से हमारे दिनेश कटील जीत रहे हैं, बहुत ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा, और पहले से ज़्यादा सीट भी आएंगी। मानते हैं सरकार जिसकी होती है या जो परिवार में होता है, थोड़ी बहुत बुराइयां रहती हैं, परिवार में बड़े सदस्य किसी ना किसी की बुराइयां होती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, सब एक हो रहे हैं, सब मिलते जा रहे हैं, और हम सिर्फ बीजेपी, योगी और राष्ट्रवाद और देश हित के लिए वोट दिया जा रहा है, पूरा क्षेत्र इस बात के लिए वोट दे रहा है। और बूझिए क्या पूछना है। जब भैया जयंत चौधरी जब कहाँ थे, जब जाटों के लड़के मरवा दिए थे इन्होंने, यहाँ ये सचिन और राहुल गौरव को मरवा दिया था, तब जयंत जाट इतनी मुसीबत, ये जौनी की नहर में लाशें पाट दी गई थी, जौनी की नहर को, जब कहाँ गए थे ये जयंत चौधरी, अजीत सिंह जिंदा थे जब, क्यों नहीं आए थे एक बार भी? अब जयंत चौधरी वोट मांगने आ रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं, समझ रहे इस बात को आप भी? वो तो कह रहे हैं कि भाजपा वालों की गाँवों में एंट्री नहीं हो रही ऐसा, भैया क्यों नहीं आ रहे? खूब आ रहे, बढ़िया सभाएं हो रही है, प्रोटोकॉल है, कोरोना है, जब भी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है हम, लेकिन आपने आप उस जयंत चौधरी से पूछा जब क्यों नहीं आए थे, जब वो बालक मरवा दिए थे इन्होंने? क्या मुद्दे होंगे जब वोट डालने जाएंगी, क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार महिलाएं? हम यही डालेंगे, महिला जो है बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए भी, और जो है नारी का सम्मान भी है, राष्ट्रहित के लिए जो है सरकार, ये जो सरकार है राष्ट्रहित के लिए है। नारी का सम्मान तो प्रियंका गांधी भी कर रही है, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, दिखावटी है, दिखावटी है, बरसाती में सब कुछ दिखावा है और परिवारवाद है उनके यहाँ, और कुछ नहीं है। आपका प्रियंका गांधी से एक बार ये जाके पूछना,
प्रियंका गांधी जी से एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो यहाँ पर हमारा जो देश है ना, वहाँ पर महिलाओं को परेशानी क्या है, दुख क्या है, उनके साथ क्या क्या गुजर रही है, कम से कम एक चीज बता दे। वो तो मैं मान जाऊँ कि वो हमदर्द है महिलाओं की बहुत बड़ी, उससे तो पता भी नहीं होता कि हमारे देश में कैसे कैसे महिलाएं सर्वाइव करती है। सिर्फ एक बार वो महिलाओं के बीच में जाए और एक चौपाल करके दिखा दे, फिर उसको पता चलेगा कि महिलाएं उसकी हमदर्दी है या फिर योगी आदित्यनाथ जी को। क्या देखते हैं इस बार 2022 के जो इलेक्शन है, क्या दिखाई दे रहा आपको? जी, हमारे को भाजपा दिखाई दे रही है, माननीय योगी जी दिखाई दे रहे हैं, और हमारे विधायक और मंत्री रह चुके दिनेश खटीक जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कार्य किया है विकास की। मानो गंगा बहा दी, हस्तिनापुर एक श्रापित मतलब नगर था, उसका श्राप इन्होंने ही खत्म किया, योगी जी ने ही खत्म किया। कहते हैं हस्तिनापुर में द्रौपदी का श्राप था, जिसके कारण कभी किसी विधायक ने विकास नहीं किया, और जब से हमारे माननीय योगी जी आए हैं उसके बाद से हमारे यहाँ पुल बना, कई 100 करोड़ रुपये का पुल बना, डिग्री कॉलेज बना, और महिला और रोजगार मिले, और ये जो राशन और ये तो पूरे प्रदेश में मिल रहा है, लेकिन हस्तिनापुर के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि आज तक पहले सपा सरकार थी इतना गुंडागर्दी होती थी, हम लोग 8 बजे भी मार्केट में नहीं निकल पाती थी, हम रात को 8 बजे मार्केट में निकल नहीं पाते थे। ऐसा क्या माहौल था कि आप 8 बजे? माहौल ये था कि दहशत, गुंडागर्दी होती थी, कान में नहीं पहन सकते थे, गले में नहीं पहन सकते, चीजें छिन जाती थी, और अगर हम कंप्लेंट करते थे तो प्रशासन तो इन्हीं के अंडर में था, वो कहता था तुम खुद गलत हो, तो हम लोग कंप्लेंट भी नहीं कर पाते थे, गुंडागर्दी बहुत होती थी। लेकिन जिस दिन से हमारी योगी सरकार आई है और दिनेश खटीक जी आए, इन्होंने हमें इतना बल दिया है, हम सारी महिलाएं, और हमारे यहाँ बंगाली समाज है, तो हमारी बंगाली समाज को कोई माइग्रेशन नहीं था, क्योंकि 71 में कभी ये लोग इधर विस्थापित थे, इधर आए थे, हस्तिनापुर बसाया गया था जब, तो तब उसके बाद, लेकिन हमारे दिनेश खटीक जी ने और आदरणीय योगी जी ने इन्हें सबको माइग्रेशन दे दिया, और उसके बाद 63 परिवार ऐसे हैं जिन्हें कानपुर में 500 गज जगह दी और इनको 2-2 एकड़ का पट्टा दिया, जिससे ये लोग विस्थापित अपनी, इनको महसूस हो सके कि हम भी भारतीय हैं, और इनको भारतीय था कि इनको मतलब सबूत मिल गया कि हम भारतीय हैं। ये आप कह रही हैं कि सपा में गुंडागर्दी थी, ठीक है, हम मानते हैं। प्रियंका गांधी जो 40% हिस्सेदारी दे रही है महिलाओं को टिकटों में और आरक्षण दे रही है, तो प्रियंका गांधी को आप अपना ऑप्शन क्यों नहीं मानती? वो तो झूठ है, ये तो देखिए प्रियंका गांधी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। प्रियंका गांधी है सिर्फ एक परिवारवाद की पार्टी है, आपको पता है कि अगर उसके जो घर वाले हैं वो सिर्फ एक आईना है, एक चेहरा है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। उनके पीछे कौन सरकार करता है, कौन नहीं करता है, किसके काम होते हैं, ये पूरा देश जानता है, और वो लालच दे रही है स्कूटी देने का और मोबाइल फोन देने का। तो यहाँ की महिलाओं का कहना है कि हमें मोबाइल और स्कूटी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अच्छी, हमें अच्छी सरकार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, और ये जो काम होना शुरू हुआ है ना योगी जी और मोदी जी के राज में, ये जो काम अब बन रहा है उनके अंदर, क्योंकि 50 साल से कम से उन्हीं की सरकार है, कुछ काम तो हुए नहीं थे, होने होते तो पहले हो जाते, तो आज की डेट में उनके दिमागों में खुरापैती पैदा हो चुकी है कि योगी जी इतना काम कैसे करवा गए, वो करवा नहीं पाए, तो वो उछल उछल के बाहर आ रहे हैं अब, और तरह तरह के लालच दे रहे हैं। लेकिन ये जो महिलाएं हैं ना, ये सब कह रहे हैं कि हम किसी के लालच में आने वाले नहीं है, ये तो बच्चों को सिर्फ बिगाड़ने के साधन है, हम इन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे इन चीजों को। यदि हमारा पति या बेटा अगर बाहर जाता है काम के लिए और वो सुरक्षित नहीं लौटता, तो ये हमें स्कूटी की क्या आवश्यकता, हम स्कूटी खुद खरीद लेंगे जब हमारा पैसा हमारे पास स्वयं सुरक्षित है, तो हम खुद सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, तो स्कूटी की हमें आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें आवश्यकता है हमारे आदरणीय योगी जी की, और हम और जो हमारे उत्तर प्रदेश को विकास की राहों पर लेके जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा, आप देखेंगे दुनिया में हमारा देश चमक रहा है। कारण क्या है, पहले क्यों नहीं, 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, क्यों जब इनको स्कूटी दिखाई नहीं देती थी, महिलाएं दिखाई नहीं देती, अब 40% का ये तो झुंझुना दिखा रहे हैं, हम झुंझुने को लेने वाले नहीं है। आपको क्या दिखाई दे रहा 2022 के चुनाव में, क्या दिखाई दे रहा? भारी जीत दिखाई दे रही है, भारी भारी जीत। किसकी जीत दिखाई दे रही है? भाजपा की जीत दिखाई दे रही है। हाँ, मैं सुनाता हूँ आपको, किस लिए सुनो, मैं हाथ जोड़ कर करता हूँ सबको राम राम, दो शब्द सुनो मेरे, लगा कर इधर ध्यान। बड़े दिनों के बाद केसरी भेष देश पर छाया है, ऋषियों की भूमि भारत में अब राज राम का आया है। यूं तो देश की आज़ादी को लगभग 75 साल हुए, सरदार भगत सिंह आजाद गुरु बलिदान देश के लाल हुए, और माल मुस में लिया जिन्होंने उनका हुआ सपाया है, ऋषियों की भूमि भारत में अब राज राम का आया है। सन 2014 में ठिकाने लगा दिए सब मोदी ने, जो बचे कुचे जुलमी यूपी के भगा दिए योगी ने, लूटे थे असमत बहनों की, लूटे थे असमत बहनों की, गायत्री शब्द लजाया है, गायत्री नाम लजाया है, ऋषियों की भूमि भारत में अब राज राम का आया है। व्याभिचार घटना आम हुई, सुन सुन का खून खोलता है,
और साइकिलों पे दौलत खपा दी कहते काम बोलता है और पैमाना दिखा दिखा गरीबी का अपनों को माल चटाया है। ऋषियों की भूमि भारत में राज राम को आया है। गद्दी का वो हकदार नहीं, गद्दी का वो हकदार जो निष्पक्ष इंसाफ नहीं करता और बड़ों को बेइज्जत करना भगवान भी माफ नहीं करता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अखिलेश तुझे ये सजा मिली, क्या कारनामा दिखलाया है। ऋषियों की भूमि भारत में राज राम का आया है। बहुत धन्यवाद। कृषि प्रधान देश में सबसे ज्यादा किसान तंग किया और तंग बर्बादी से बचने की खातिर तंग होकर ही जंग किया और बेबस किसान इसी देश का यहाँ पर परिवर्तन लाया है। ऋषियों की भूमि भारत में राज राम का आया है। और जाटा मुस्लिम को एक कहें और धर्म कर्म से नहीं डरते और सर्वजन हिताय बतला करके अपना उल्लू सीधा करते, अपना उल्लू सीधा करते, सर्वजन हिताय बतला करके अपना उल्लू सीधा करते और भाषण भी जबानी याद नहीं मिश्रा का लिखा सुनाया है। ऋषियों की भूमि भारत में राज राम का आया है। गरीबों को भूल कर पत्थर के हाथियों पे दौलत खपा दी, पैसा लुटा दिया और दिल्ली की बारी आई नहीं लखनऊ भी जाना छूटा दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दादा नाम क्या होगा? नाम? मेरा नाम कालू राम, राम रानी नंगला, गुज्जर किसान, गुज्जर। हाँ, गुज्जर है। हाँ जी गुज्जर। कह रहे कि गुज्जर और जाट तो बड़े नाराज चल रहे हैं भाई, ये गन्ने का कुछ नहीं, गन्ने का भुगतान इतना बढ़िया हो रहा, जवाब नहीं। बताओ भुगतान में क्या फर्क है पहले से और अब में, अगर बात देखी जावे तो भुगतान में क्या फर्क? 60% चल रहा पिछले साल से, 60% चल रहा पिछला इन्होंने निपटाया जो उन्हें रुखवा रखा था और वो सब मिल रहा, बढ़िया मिल रहा, बहुत खुश है पूरा पूरा किसान खुश है। तो क्या लग रहा है इस बार योगी जा रहे हैं या आ रहे हैं? आ रहे हैं। कौन कहता जा रहे हैं? आ रहे हैं, आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा को इस बार गोरखपुर भेज देंगे। हाँ मैं भेज देगा, उसके कारनामे देखे सब जानते। सुनो मैं अभी बताता हूँ कारनामे, सुन लो, सुनो। सुना है समाजवादी वाले आजम खान उनके लड़के को चुनाव लड़ा रहे हैं, दोनों को टिकट मिली। हाँ चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा वो हाँ सुनो एक मिनट, चुनाव लड़वा रहे हैं और उनके लिए चूड़ियोंदार पाजामा सिलवा रहे हैं, चूड़ियोंदार पाजामा सिलवा रहे हैं और अतीक अहमद और मुख्तार अहमद को पाकिस्तान से तहमन मंगा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तहमन मंगा रहे हैं, मंगा रहे हैं। और मुल्ला मौलवी, मुल्ला मौलवी भी अखिलेश वाला इतर दाढ़ी से लगा रहे हैं। अच्छा दाढ़ी से लगा रहे हैं। और भू माफियों को और भय माफियों को बिरयानी खिला रहे हैं, बिरयानी खिला रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा प्रियंका गांधी भी आ रही है इस बार? जी हाँ, यहाँ कोई नहीं, कोई खड़ी नहीं है, उनको तो जी खड़ी नहीं है। जी आप कैसे देखते हैं 2022 के चुनाव? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, सफाई तो सभी देते हैं, तारीफ भी सभी करते हैं, मैं तारीफ कम करता हूँ बुराई ज्यादा करता हूँ। रावण सरकार में, रावण राज में सीता भी सुरक्षित रही, लेकिन अखिलेश सरकार में 7 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं रही। और फिर दोबारा सोचते हैं कि दोबारा से अखिलेश सरकार आ जाए, कैसे आ जाएगी? बीजेपी सरकार में बहुत कुछ लाभ मिला है, गरीब तबके से लेकर उच्च तबके तक लाभ मिला है, नौकरी बहुत मिली है, रोजगार बहुत मिला है। 2005 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो शिवपाल यादव ने भर्ती हुए लड़कों की लिस्ट फाड़ दी थी, मैं भी उसमें से एक था। अच्छा आप भी थे? मैं भी था। दोबारा तीन बार मैंने हाईस्कूल किया कि रोजगार मिल जाए, लेकिन तीन बार ट्रिपल हैट्रिक लगाने के बाद भी रोजगार कहीं से कहीं नहीं दिखाई दिया। तो हम कैसे ऐसे वोट्स कर देंगे अखिलेश सरकार को? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी। बीजेपी को सुरक्षा के मुद्दे पे या कुछ विकास भी किया? बीजेपी ने सड़कों का जाल बिछा दिया है, बीजेपी ने सड़कों का जाल बिछा दिया है, रोजगार के झंडे खड़े कर दिए हैं, और क्या चाहिए? गरीबों को अन्न दो दो बार मिल रहा है महीने में, रोजगार की कोई कमी नहीं है और बिल्कुल सुरक्षित है, बदमाशों की कोई दिक्कत नहीं है। बदमाश साले या तो जेल के अंदर है या सलाखों के पीछे है या फिर प्रदेश से बाहर है, तो फिर हमें योगी सरकार से अच्छी और कौन मिलेगी? अच्छा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे वोट होने वाली है। अखिलेश सरकार ने रोजगार कभी दिया ही नहीं, गुंडा राज चला है, ठेकेदारी चली है,
मैं बता रहा हूँ कि लिस्ट फाड़ फाड़ के अपनी लगा दी, जिनसे पैसे भर रखे थे जेब में उनकी लिस्ट लगा दी, वे लड़के भर्ती कर दिए। जो पढ़ा लिखा लड़का वो रोजगार आज बेरोजगार है, सड़कों पर घूम रहा है धक्के खाता हुआ, बदमाश बनने पर मजबूर कर देता है लोगों को। ऐसा राज हमें नहीं चाहिए, अखिलेश सरकार नहीं चाहिए हमें।